हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गैंगस्टर मोटो ब्लॉग। तो कैसे आप लोग आए, सब बढ़िया ही होंगे। गाइस अभी हम हैं बनारस में और बनारस से हम आज निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। और दो दिन से हम लोग बिस्वा गंगा हाउस स्टे में रुके हुए थे। बाकी यहाँ पे बहुत एकदम बेस्ट है यहाँ का स्टे और एकदम मज़ा का, सस्ता और मज़ा का। यहाँ पे जैसा ही है अच्छा है भाई, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे बैठ के। बाकी हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे लखनऊ के लिए। बाकी बाइक साइक सब रेडी हो चुका है, दोनों बाइक। तो गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो चलिए अंकल जी चलते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप लोग अगाड़ी निकलो, आप लोग अगाड़ी निकलो गाइस। बाकी हम लोग बनारस में कहीं भी नहीं घूम पाए, सोचे थे कि इधर उधर चारों तरफ हम लोग घूम के जाएंगे, पर कहीं घूमने का हमारा टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिला तो रात को कहीं जा नहीं पाए, इसलिए यहाँ का ब्लॉगिंग नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग बाकी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे तो ज़रूर बनारस आएंगे। बाकी अभी बहुत ज़्यादा समस्या हम लोगों को चलना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 1000 किलोमीटर ही कवर किया है, अभी 9000 किलोमीटर हमारा बाकी ही है। तो देखिए क्या हुआ है। बाकी अंकल जी मेरे को राइड मंगा रहे हैं मिडिल का, इसी के अगाड़ी मेरा लगेज के कारण से इधर उधर निकलने को मिल ही नहीं रहा है। अरे किधर से निकलना है भाई, किधर से निकलना है। बाकी गाइस यहाँ से मैडी भाई लोग अपने रास्ते लग जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, और हम लोग यहाँ से लखनऊ और बाकी मेन हाईवे तक हम लोग साथ में जाएंगे, और वहाँ से वो अपना रास्ता और हम लोग अपना रास्ता, वहीं से दोनों का रास्ता कटेगा। तो अभी हम लोग मेन मार्केट में हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं बनारस का। कैसे हो बबुआ? अरे बबुआ कैसे हो, कैसे हो, ठीक हो? फिट ही रहना चाहिए। अच्छा, अरे भाई साहब बनारस में ही इतना लेट हो रहा है, जाम कितना है भाई। लगभग आधा घंटा से हम लोग जाम में ही पड़े हुए हैं। बाकी देख सकते हैं बाकी अगाड़ी का भी पूरा पैक है, यहीं पे अंधेरा हो जाएगा जैसा लग रहा है हम लोगों को। जितना भी सोच रहे हैं गाइस कि हाँ हम सवेरे निकलेंगे, आज सवेरे राइड करेंगे सवेरे से, पर कुछ भी सोचे अनुसार हो नहीं रहा है। बाकी सोच रहे हैं क्या हो रहा है क्या भाई साहब। यहाँ से निकलने के बाद तो किसी के पास रुकना नहीं है, करना नहीं है। पानी पड़ने लगा गाइस, पानी पड़ने लगा बनारस में, अब कैसे होगा हमारा राइड। पानी पड़ने लगा, बाप रे बाप गाइस, बहुत देर बाद जा गए, आखिर में खुली गया। हे भगवान, जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल जाए। हे काशी विश्वनाथ हो माफ़ करियो गाइस। बाकी बारिश करने वक्त राइड मार रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से बनारस से निकलने टाइम थके जाम में पड़ गए, जाम में पड़ने के बाद पानी भी पड़ने लगा भाई। दो दो क्या ही बोले,
जाम भी पड़ा, पानी भी पड़ रहा है बाहर, इस जाड़ मौसम में, ठंड मौसम में पानी का पड़ना अचम्मा का बात है। पर यहाँ लखनऊ बनारस में तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है, क्योंकि हम लोग आए हैं उसी दिन से पानी पड़ रहा है, दिल्ली का पानी पड़ रहा है थोड़ा बहुत, और आज तो देख सकते हैं दिन भर ठीक था, अभी तो अति ही हो गया। हे काशी विश्वनाथ रक्षा करियो। तो गाइस बाकी यहाँ से उधर से ही मेरी भाई लोग टर्न हो गए थे, तो उसके बाद में वहीं से हम लोग बोल दिए कि टर्न हो गए क्या अब वो करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और पानी ही पड़ रहा है। तो हम लोग इधर से ही इधर निकल रहे हैं और सबसे पहले चलते हैं, वो बाइक का गियर लीवर है, गियर लीवर लूज़ हो गया, वहीं टाइट कराते हैं, गैरेज देख के उसके बाद में पेट्रोल फिलअप कराते हैं एकदम फुल, और उसके बाद में देखिए क्या होता है, हम आज निकल पाते हैं कि नहीं वो आगे देखते चलिए। तो गाइस आ गए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम अभी, और फ्यूल अप कराएंगे, उसके बाद में टैंकी को एकदम इनफ कर देना है, इसका भर भर के खुला देना है, उसके बाद में हम निकलेंगे डायरेक्ट। भाई हम भूखे रह जाए पर बाइक को भूखे नहीं रहना चाहिए। हम भूखे रह के चल सकते हैं पर ये भूखे रह के नहीं चल सकता है, इसे भूखा रखना ही नहीं चाहिए। बाकी दोनों बाइक में फुल कराते हैं, उसके बाद में निकलते हैं नॉन स्टॉप राइड में। तो गाइस इस ठंड मौसम में, वो भी बरसात हो रहा है, और इसी टाइम में हम लोग निकल रहे हैं बनारस से लखनऊ, और भाई इतना रात हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग लगभग 6:30 हो चुका है बनारस में ही हम लोगों को, और क्या ही करें गाइस निकलना पड़ेगा, क्योंकि जितना रोकेंगे रुकते रह जाएंगे, हमारा एक टाइम ख़राब चल रहा है, जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे 2-3 दिन लग जा रहा है, तो वैसा हम लोगों को नहीं करना है, अब सीधा निकलना है। और क्योंकि एक 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता होने लगा गाइस, अभी तक हम लोग UP एंट्री किए हुए हैं, अभी पूरा 9000 किलोमीटर पूरा बाकी है, बाकी यहाँ के अभी 1000 किलोमीटर हम लोग चले हुए हैं, और ऐसे करने से हमारा राइड कंप्लीट होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग आज से चैलेंज लिए हुए हैं। हाँ मिडिल, आज से हमारा क्या चैलेंज है, दिल्ली का हम लोग 800 किलोमीटर मारेंगे, और आज चाहिए 300 किलोमीटर मारेंगे, क्योंकि यहाँ से लखनऊ 300 किलोमीटर पड़ेगा, और पानी भी पड़ रहा है, रात भी हो चुका है, इसलिए आज के लिए कम। बाकी कल से हमारा जो राइड होगा वो चाहिए दिन का 500 से प्लस ही होगा हमारा राइड, और वही है गाइस, क्योंकि दिन कम है चैलेंज बढ़ता जा रहा है हमारा, तो इसलिए बाकी चलिए निकलते हैं लो तकेटो। अब देखिए कितना बजे तक हम लोग लखनऊ पहुंचते हैं, बाकी लखनऊ पहुंचते पहुंचते 12-1 बज ही जाएगा, और जितना ही बजे टेंशन नहीं है, पर आज पहुंचना है तो पहुंचना है। लो तो बाकी जय श्री राम, हे पशुपतिनाथ। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय गैंगस्टर मोटो ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। गाइज हम लोग कल रात को बनारस से निकले थे लखनऊ के लिए, तो बाकी लखनऊ तो पुग नहीं पाए, रास्ते में रात को इतना दिक्कत हो रहा था गाइज, जितना दिक्कत हो रहा था उसू था गाइज, बहुत ज़्यादा उसू था रास्ते में, और बाइक चलाने के लायक नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता वैसे कारण से हम लोग बाइक चला नहीं पाए। तो हम लोग सुल्तानपुर में स्टे कर लिए हुए हैं, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम निकल रहे हैं, सुबह का 11 बज रहा है, और बाइक का हालत देखिए गाइस,
हनी मिडिल कैसा लग रहा है? उसमें रात को बाइक चला के भीगते हुए चला के क्या कैसा लगा था? ये हालत देख सकते हैं, हमारा पूरा एकदम से हालत बेकार हो गया था, इसीलिए हम लोग रोकने का प्लान बना चुके थे, तो यहीं पे सुल्तानपुर में रुक गए हैं। बाकी आज गाइज लखनऊ हम रुकेंगे नहीं, सीधा लखनऊ से देहरादून गाइज। बाकी हम लोग यहाँ से पहले निकलेंगे, तो उसके बाद में बाइक गैरेज में जाएंगे, गैरेज पे जाके उसके बाद में बाइक वॉश कराएंगे, क्योंकि बाइक का हालत तो बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है गाइज, बहुत ज़्यादा बुरा। इतना चारों तरफ से हिलो हिलो, अगाड़ी से भी हालत देख सकते हैं बाकी कैसा हो चुका है ये डस्ट सब। तो अभी जाएंगे वॉश कराएंगे, उस वॉश कराने के बाद में निकलते हैं, पहले चलिए वॉश कराते हैं। हमारा बाइक वॉश हो चुका है, और वॉश होने के बाद ये मेरा अंडर बेली कवर था, ये कवर का स्क्रू कहीं लूज हो के गिर चुका है, और ये लूज था और पता चल गया नहीं तो ये रास्ते में गिर जाता, पता भी नहीं चलता। तो बाकी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है, कैसे धुआं फेंका है भाई। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट अब, और ये टाइट कराएंगे, उसके बाद में रास्ते में रोक के कहीं पे खाना वगैरह खाएंगे, और फिर नॉन स्टॉप हम लोगों को राइड मारना है आज। लगभग देहरादून का टारगेट है, देहरादून तक पहुंच पाते हैं कि नहीं देखते हैं। चलिए भैया लोग, बाय बाय। लो सेफ राइड। तो यहाँ पे चैन में हल्का मोबिल डाल दे, और उसके बाद में ये कस देते हैं। भैया हेलो भैया, तो कस्ट लगाइदिम ना, ये डाल लेते हैं यहाँ पे। ये खोल के इसमें एक वाशर डाल के और ये कस दीजिए, और यहाँ पे एक स्क्रू डाल के इसको कस दीजिए यहाँ पे, ये लूज होके निकल गया। ये कैमरा है पूरा, हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का सब रिकॉर्ड करते चलता है। हाँ जी हाँ जी। बाकी भाई जहाँ पे रोक रहे हैं वहाँ पे पब्लिक का तो भीड़ क्या ही बोले अब। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा बाइक का काम था वो सब पूरा हो गया, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं सीधा हाईवे की तरफ। यहाँ पे लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल पहले फुल कराएंगे उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे 98। बाकी गैस यहाँ पे इंडिया में हर एक हवा अनुसार पेट्रोल फर्क फर्क प्राइस में मिलता है, तो यहाँ पे 98, कल हम लोग डलवाए थे 97 में, क्योंकि देखिए आज कितना पेट्रोल जाता है। हाँ जी भैया, हाँ जी।
हम पहुंचने वाले हैं लखनऊ। बाकी यहाँ से लखनऊ 19 किलोमीटर रह गया है, और जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे खाना खाए नहीं, क्योंकि क्या है, बहुत महंगा खाना था वहाँ पे, तो महंगा महंगा खाना खा नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग दूसरे लोकेशन पर रोक के खाना खाएंगे सोचे हुए थे, पर चले तो चलते रह गए। बाकी अब लखनऊ भी आ गया, जहाँ पे रुके हुए थे हम लोग वहाँ से 76 किलोमीटर ही कितना था लखनऊ। अब लखनऊ लखनऊ सीधा लखनऊ रोकेंगे। लखनऊ 20 किलोमीटर। ये क्या हुआ भाई, उधर 19 किलोमीटर दिखा रहा था, यहाँ पे 20 किलोमीटर। तो गाइज हम लोग लखनऊ पहुँच के और लखनऊ में खाना वगैरह खा रहे थे, और खाना खा के और उसके बाद में रूम के तरफ जा रहे हैं हम लोग, और आज लखनऊ में ही हमारा स्टे होगा। बाकी कल निकलेंगे हम लोग देहरादून के लिए। आज ही सोचे थे हम लोग देहरादून निकल जाएंगे, पर नहीं निकल पाए गाइस, नहीं निकल पाए, क्योंकि आज भी हम लोगों को लगभग कितना 4 बज गया था लखनऊ पहुंचते पहुंचते। तो हम लोग सोचे कि 4 बजे से अगर जो देहरादून निकले तो आधा रास्ता भी शायद नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को नाइट राइड नहीं करना था आज से, क्योंकि रोज़ रोज़ बोलेंगे कि आज से नाइट राइड नहीं करना है नहीं करना है, तो डेली ऐसा ही होता ही रह जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग यहीं पे स्टॉपिंग कर दिए, और जितना हम लोगों का काम है वीडियो शीडियो है आज ही करेंगे, और उसके बाद में निकलेंगे कल। बाकी यहाँ पे भी लखनऊ में भी ट्रैफिक का बहुत इशू है भाई, बहुत इशू है, जहाँ भी जाओ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। भैया ये ट्रैफिक नियम है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा। जो जिधर से चाह रहा है उधर से एंट्री मार दे रहा है। बाकी ये क्या है भाई, लखनऊ में ये बीच चौराहे पर, बहुत बड़ा सिटी है भाई लखनऊ, तो जितना बड़ा सिटी होता है उतना ट्रैफिक का तो इश्यू होगा होगा। ट्रैफिक किसी तो ठीक है, ट्रैफिक है, पर नियम अनुसार चलना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नियम नहीं है, कोई भी नियम, जो जिधर से मन लगता है उधर से एंट्री कर देता है। बाकी ट्रैफिक पुलिस सब बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। अरे भाई साहब यो 220 तो पूरा वाइजर लगा दिया है उसमें तो भाई। तो गाइस यहाँ पे आ गए हम होटल, और यहाँ का बॉडी गार्ड, हेलो बॉडी गार्ड। तो गाइस अभी हम लखनऊ पहुंच गए, और माना कि हम लोगों का आज राइड था देहरादून तक का, और देहरादून हम लोग आज जा नहीं पाए क्योंकि 4 बज गया था हम लोगों को लखनऊ पहुंचते पहुंचते, और बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो हम लोग खाना खाते हुए लगभग 5-6 बज गया था। तो उसके बाद में हम लोग देहरादून का राइड कैंसिल कर दिए, कल निकलेंगे। बाकी आज होटल पर आ गए हैं, होटल पर आके अब वीडियो एडिट करेंगे, और उसके बाद में सोएंगे। नींद भी ज़रूरी है भाई, हर एक दिन हम लोगों को नाइट राइड करते करते बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था, बहुत ज़्यादा। बाकी मिडिल आज कितने टाइम बाद हम लोग टाइम से होटल पे पहुंच चुके हैं, राइड जब से स्टार्ट किए हैं तब से अब तक पहली बार आज टाइम से हम लोग होटल पहुँच गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, लगातार 110 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड करे हुए हैं हम आज, और
बाकी देखे सकते हैं उलिया, उसका बाल उतला गया है। जीरो स्टॉप, लेकिन प्लान तो था कि आज देहरादून एनी हाउ पहुँचना है, जैसे भी देहरादून पहुँचना है। लखनऊ से देहरादून लगभग 550 किलोमीटर है, और हम लोग का प्लान था कि नॉन स्टॉप 150 150 150 मारेंगे तो तब पहुँच ही जाएंगे, लेकिन क्या करना है, सर्दी इतना ज़्यादा है कि बाप रे, गला बैठ गया मेरा। मेरा भी गला बैठ गया है। बाकी गैस आगे चलिए, अब हम लोग अपना काम करेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो शीडियो रेडी करेंगे, उसके बाद में कल निकलना है फिर सवेरे। आगे चलिए मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।